अमीर लोगों, क्या हाल है? आईफोन लेना है? बहुत अमीर हो गए हो, या किडनी वाला केस है? चलो जो भी है, यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा ज्ञान ले लो, फिर उसके बाद आईफोन भी ले लेना। 15 यानी आज से फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे सेल स्टार्ट हो रही है और काफ़ी मोबाइल काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिलने वाले हैं आपको। और सबसे मेन क्वेश्चन है, iPhone 13 लिया जाए या 14, तो उसी को मैं इस वीडियो की डिस्कशन में कवर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो मेजर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं iPhone 13 और iPhone 14 में क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों में A15 बायोनिक चिप है, लेकिन जो iPhone 14 है उसमें 5 कोर चिप है और जो iPhone 13 है उसमें 4 कोर चिप है। तो ये एक डिफरेंस है जिससे प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी 14 की, बट दोनों ही काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो जो 4 कोर के साथ A15 बायोनिक चिप है वो भी सफिशियंट है किसी भी हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। iPhone 13 जो है उसका जो बेस वेरिएंट है 128 GB और 4 GB रैम के साथ आता है, और जो iPhone 14 है उसका बेस वेरिएंट भी 128 GB और 6 GB रैम के साथ आता है। तो 2 GB एक्स्ट्रा रैम मिलने वाली है, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि 4 GB विद A15 बायोनिक चिप इज सफिशेंट फॉर हैवी टास्क। आईफोन 13 के अंदर ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी है और आईफोन 14 के अंदर 5.3, तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी हल्की सी फास्ट हो जाएगी, 5G अच्छे से काम करता है। अब बात कर लेते हैं सिनेमैटिक मोड की, जिसमें एक मेजर चेंज आया है। जो पहले आप मैक्सिमम 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते थे सिनेमैटिक मोड में, अब वही चीज़ आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो iPhone 14 में। एक और नई चीज़ आई है iPhone 14 में जो कि है एक्शन मोड, तो वो आपकी फुटेज को एक्स्ट्रा स्टेबल कर देता है और मतलब शेकीनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है वीडियो से। तो बेसिकली GoPro जो काम करता है ना, वो iPhone ने कोशिश किया कि आप वो अपने मोबाइल से ही कर पाएँ। तो मतलब थोड़ा अच्छा सा है वो, थोड़ा स्टेबल फुटेज आती है, और उसकी जो मैक्स रेजोल्यूशन है वो है 2.8K एट 60fps। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। तो iPhone 13 में लगभग 19 घंटे की बैटरी लाइफ बताई जाती है और iPhone 14 में वही 20 घंटे की बताई जा रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। और एक दो फीचर और भी आए हैं, जैसे कि एमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, और एक है क्रैश डिटेक्शन। तो ये चीज़ें मतलब यूज़फुल है, और वैसे सैटेलाइट वाला जो फीचर है वो इंडिया में काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो इसलिए बेसिकली कि आप जंगल जंगल में कहीं गुम हो गए तो वहाँ से आपको एक इमरजेंसी कॉल अलाउ हो जाएगी कि आप कॉल कर सकते हो सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू, लेकिन वो इंडिया में वर्क ही नहीं कर रहा, तो उस फीचर के बारे में बात क्या करनी। और क्रैश डिटेक्शन बेसिकली जैसे ही आपका एक्सीडेंट होता है तो वो आपके किसी नॉन को एक अलर्ट भेज देगा कि भाई बंदे का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो वो काफ़ी यूज़फुल फीचर हो सकता है, लेकिन डेली यूज़ में आने वाला फीचर तो वो भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेन डिफरेंस की। तो मेन डिफरेंस जो है वो है एक पर्पल कलर का आईफोन लॉन्च हो रहा है 14 में, जो कि 13 में नहीं था। उसी की मदद से लोग बता पाएंगे आपके पास आईफोन 13 है या 14 है, बाकी सब सेम है। तो यही मेन फीचर है आईफोन 14 का। अब थोड़ा सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। भाई सब कुछ सिमिलर है, एक 4K रिकॉर्डिंग मिल रही है सिनेमैटिक मोड में, बैटरी हल्की सी अपग्रेडेड है, कैमरा कह रहे हैं थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन नॉर्मल लोगों को डे टू डे यूज़ में पता भी नहीं चलेगा क्या फ़र्क हुआ है। थोड़ा सा चलो फ़र्क पता चले भी तो उसके लिए क्या आप 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा देना चाहोगे। और यही सब चीज़ें हैं, बाकी इतना कुछ खास नया एडवांस नहीं आया इस फ़ोन में। एक्शन मोड है, हाँ वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है किसी किसी बंदे के लिए जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं या बाइक राइड्स पे जाते हैं। तो मैं अब आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ।
मेरे हिसाब से आईफोन 13 जो है वो मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है ना कि आप ये समझो कि एक ना रनर था वो फर्स्ट आ गया भाई, उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और अब अगले साल उसने फिर से रेस में पार्ट लिया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 सेकंड जल्दी रेस ख़त्म करके। तो भाई मतलब दोनों बेस्ट है और दोनों ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए अभी अपग्रेड, आईफोन 15 की वेट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा और आपको पैसे 15-20 हज़ार फालतू देने पड़ रहे हैं। एक 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग सिनेमैटिक में ज़रूर मिल रही है और एक एक्शन मोड मिल रहा है जो कि लोग यूज़ कर पाएंगे शायद, बाकी इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम ही है और कुछ आपको प्रोसेसिंग में भी खास डिफरेंस पता नहीं चलेगा डे टू डे यूज़ में। तो मैं तो प्रेफर करूँगा, अगर आपका जो प्राइस गैप है वो 5 से 6 हज़ार है तो आप 14 ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा प्राइस गैप आता है, 15 से 20,000 प्राइस गैप आ रहा है दोनों डिवाइसेस के बीच में, तो आईफोन 13 मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और बाकी तो आप स्पेसिफिकेशंस आपको मैंने बता दी हैं, जिसकी जैसी यूजेज है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा लेना है। और बस यही था इस वीडियो में, तो बस यही बताना था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून। Thank you.